नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। आई एम डॉक्टर चित्रा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से। आज का हमारा विषय है रेडियो नाटक और अभिनय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नाटकों को सदैव से दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती रही है कि नाटक एक दृश्य काव्य है, काव्य का रूप है और दृश्य है जिसे हम देख सकते हैं, जो सामने हमारे अभिनय किया जा रहा है, जिसमें पात्र हैं, संवाद है, एक वातावरण है। ये सभी जो तत्व हैं ये नाटक के होते हैं जो दृश्य काव्य में काम करते हैं। वहीं अगर हम रेडियो नाटक की बात करें तो रेडियो नाटक में रेडियो एक श्रव्य साधन है जिसमें आप सुन सकते हैं, सुनकर उस साहित्य को अनुभव कर सकते हैं। रेडियो नाटकों की रचना केवल श्रव्य उपकरणों को ध्यान में रखकर की जाती है। नाटक का यह श्रव्य रूप साहित्य के अधिक निकट है। रेडियो नाटक कथोकथन एवं संगीत पर ही चलता है। कथा वस्तु की श्रृंखला वहां वाचक वाचिका के शब्दों में जोड़ी जा सकती है, यद्यपि बार बार वाचक और वाचिका को लाना नाटककार की अक्षमता का बोध कराता है। रेडियो नाटक में दो कलाओं का मिश्रण बड़ी आसानी से हो सकता है, साहित्य और संगीत। साहित्य के अंतर्गत भी कहानी और कविता रेडियो और नाटकों पर एक साथ आ सकते हैं। रेडियो नाटक का शिल्प अभी विकासशील है। संपूर्ण रूप से कथोपकथन में बंधी हुई कहानी रेडियो नाटक में सफल होती है। इस कथोपकथन का काव्य में होना या प्रभावशाली होना ही अनिवार्य है। यदि बहुत पात्र हुए तो उनमें व्याघ्यात पहुंचता है। दो चार पात्रों की आवाजों से तो हम उन्हें पहचान सकते हैं, परंतु जहां पात्रों की संख्या अधिक हुई श्रोता भटकने लगते हैं। विगत में रंगमंच पर अभिनय से पृथक नाटक का अस्तित्व विशुद्ध साहित्यिक रूप में कुछ संदिग्ध रहा है। नाटक के साथ अभिनय की अनिवार्यता को देखते हुए नाटक को हिंदी साहित्य में स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जबकि शेक्सपियर मूलतः नाटककार हैं और उनके नाटकों में जो कवित्व है वह केवल अभिनय का ही नहीं, वह पठित साहित्य में सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार कालिदास ने विज्ञान शकुंतलम की प्रतिष्ठा पठित काव्य के कारण है, किंतु नाटक जहां साहित्य का अभिन्न अंग होकर साहित्य के इतिहास ग्रंथों से विवेचित होने लगा है, वही रेडियो नाटक अपनी स्वीकृति के बावजूद साहित्य के इतिहास ग्रंथों में अपना स्थान रेडियो नाटक के रूप में नहीं बना सका है। किंतु अब यह समय दूर नहीं जब रेडियो नाटक अभिनय की उपयुक्तता एवं उत्कृष्ट सृजन धर्मिता के कारण साहित्य की अनिवार्य विधा बन जाए। This session is powered by digital version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.